हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आयाज। आप देख रहे हो आयाज ब्लॉग। आज हम कुछ रिपोर्ट करेंगे। ये देखिए ये फिश बोल कैक्टस है, और ये जो है ना मेरे पास 8 फोटो में लगे हुए हैं। ये देखिए फिश बोन कैक्टस है। ये इसको कैक्टस नाम कैसा आया बोले तो देखिए, कैक्टस को कांटे रहते। अब देखिए, गौर करिए, इसमें भी यहाँ पे कांटे दिख रहे हैं आपको, वाइट स्पॉट्स बताऊंगा आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है इसके कैक्टस से कांटे, इससे ही इसको कैक्टस बोल के बोला जाता है, नाम मिला है। ये फिशबोन कैक्टस है। ये इसका फूल जो है ना बहुत बड़ा होता है, और अपना ड्रैगन फ्रूट के वैसा होता है, लेकिन उससे भी अच्छा, बहुत खूबसूरत होता है ये फ्लावर। इसका फ्लावर का झिल्ता, और एक प्लांट है मेरे पास उसके वैसा रहता है, उसका नाम है ब्रह्मा कमल। ब्रह्मा कमल के फ्लावर के वैसा रहता है इसका भी फ्लावर। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको अभी। मुझे रिपोर्ट करना है बड़े से कुंडी में। देखिए 10 इंच का पॉट है, ये 10 इंच का कुंडा है, इसके अंदर करना है। फिर ऐसे ही मुझे यहाँ पे, ये देखिए, ये है ब्रह्मा कमल का झाड़। ब्रह्मा कमल बोलते हैं इसको, ब्रह्मा कमल प्लांट। इसको ये बहुत बढ़िया सा फूल होता है, ब्रह्मा कमल फ्लावर होता है इसको, ज़बरदस्त बहुत बड़ा होता है, ऐसा बड़ा होता है। तो इसको भी हम एक पॉट में रिपोर्ट करेंगे, और इसको भी करेंगे और देखेंगे। और थोड़ा काम भी है, देखिए यहाँ पे ये कितना बड़ा हो चुका है, और मिली बक्से भी लगे हुए हैं उसको, उसको भी थोड़ा सा प्रोन करेंगे और दवाई मारेंगे। हो सके तो आज मारेंगे, नहीं बोल तो कल मारेंगे दवाई। और थोड़ा थोड़ा काम है यहाँ पे। देखिए ये वाला है, ये भी एक हैंगिंग पॉट में रिपोर्ट करना है। काम बहुत है, लेकिन मैं बिजी रहने की वजह से काम नहीं हो रहा। ये देखिए, ये भी बहुत ग्रो हो गया, इसको भी प्रोन करके कटिंग्स लगाना है। ये पर्पल हार्ट का प्लांट है, इसको भी करना है। बहुत सारा काम है गार्डन में, लेकिन हो नहीं रहा। देखेंगे अभी, आज जितना काम हो सका उतना काम करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फिशबोन कैक्टस को हम इधर बाजू में रख देंगे। पहले हम जो है ना सॉइल मिक्स कर लेंगे। सॉइल मिक्स कर लेता हूँ फटाफट, उसके बाद फिर रिपोर्ट करने का प्रोसेस बताऊँगा आपको। ये देखिए, ये है ब्रह्मा कमल, बहुत ही हेल्दी है प्लांट। थोड़ा सा कीड़ा वीड़ा लगा हुआ है, तो उसके लिए तो मैं इलाज लेके आया हूँ, नीम ऑयल वगैरह मारेंगे उसको, फंगिसाइड वगैरह। ये देखिए, तो इसको अभी ताकत नहीं बस हो रही, इसलिए हम इसको बड़े पॉट में रिपोर्ट कर रहे हैं। ये देखिए, ये है मट्टी, ये मट्टी है 30%, और इसके अंदर 10-20% हम रेती ले लेंगे, रिवर सैंड, ताकि पानी का फ्लो बना रहे इसके अंदर से। और हम लेंगे 30% वर्मी कंपोस्ट। ये देखिए वर्मी कंपोस्ट 30%, और इसके अंदर हम लेंगे थोड़ा सा कोपीट, ताकि अभी वेट भी कम करेगा, लो वेट पॉटिंग मिक्स बनेगा। देखिए थोड़ा सा कोकोपीट ले लिया है, वाटर होल्ड करता है, ये गर्मी आ रहे ना तो उसके लिए काम में आता है ये। ये देखिए, उसके बाद हम थोड़ा सा राख लेंगे। ये देखिए, ये राख है, ये भी एक फंगिसाइड का काम करता है बहुत ज़बरदस्त, और इसके अंदर कार्बन वगैरह मिलता है झाड़ के लिए, प्लांट के लिए कार्बन वगैरह मिलता है। फंगिसाइड 1.5 चम्मच, और उसके बाद हम लेंगे थोड़ा सा पोटास 20 स्पून, क्योंकि ये हम फ्लावर्स के लिए ही यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें हम केमिकल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई बात नहीं केमिकल यूज़ करने से। तो थोड़ा सा था मेरे पास, बहुत दिन पहले का यूज़ कर लिया हूँ इसके अंदर थोड़ा सा। उसके बाद देखिए, ये है नीम केक पाउडर, ये नीम केक पाउडर, ये भी थोड़ा सा हम डाल लेंगे, ये भी फंगिसाइड का काम करता है और एनर्जी देता है। ये देखिए, एक मुट्ठी दो मुट्ठी हम बोन मील ले लेंगे। देखिए बोन मील है, 1.5 मुट्ठी ले रहा हूँ,
और फिर हम इसमें लेंगे थोड़े से, अभी इसके अंदर लेंगे हम डीएपी, क्योंकि जड़ों के लिए ताकत मिलेगी, इसको जड़ें ग्रो होंगी अच्छे से। ये देखिए थोड़े से दाने में डाल रहा हूँ उसके अंदर 20-25 डीएपी के दाने, इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बाहर बच्चे रो रहे फ्रेंड्स, खेल लिए, खेलने के लड़ लिए शायद, रो रहे बच्चे, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा होगा। हम लोग थोड़ा सा संभाल लेके देखिए, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको लेंगे। अच्छे से मिक्स हो चुका है ये, अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी ये देखिए, ये पुराना वाला इम्पोर्ट है, तो इसमें से सारा का सारा निकाल लेके रेडी रखा हूँ, तो हम इसको थोड़ा सा फ्रेश कर लेंगे नीचे से। देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं एक होल करा हूँ बहुत बड़ा सा, देखिए एक होल काफ़ी हो जाता है, अगर इतना बड़ा होल है तो काफ़ी हो जाएगा, अगर छोटे छोटे हैं तो 2-3 कर लीजिए आप लोग, क्योंकि पानी का फ्लो बहुत अच्छे से होना चाहिए इसके अंदर, झाड़ के जड़े सड़ जाएंगे, सड़ के फिर झाड़ भी मर जाएगा। चलिए ये देखिए, ये छोटा सा पत्ता है, यहाँ पे हम इसको कवर करेंगे, उसके बाद इसके अंदर कोटिंग मिक्स डाल देंगे, थोड़ा सा कोटिंग मिक्स डाल के। ये देखिए फ्रेंड्स, कोटिंग मिक्स डाल चुका हूँ मैं इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्लांट्स लेंगे, ये देखिए प्लांट्स बहुत ही खूबसूरत, इसको ऐसे दबा करके इसको कोटिंग मिक्स इसका क्लोज कर लेंगे, फिर हम इसको अलग से एक दूसरे कंटेनर में ले लेंगे, उल्टे उल्टा करने पे ये अलग से बाहर आ जाएगा। ये देखिए, अच्छे से देखिए आप लोग, देख करके आप लोग भी कर ले सकते हैं आपके घर में। देखिए फ्रेंड्स, आ चुका है ये, अभी हम उसके अंदर ऐसे ही सारे इसके अंदर रख लेंगे फ्रेंड्स, एक एक करके। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से ये सारे जो है ना मदर ऑफ 1000 प्लांट के बेबीज है, इसके अंदर भी बहुत सारे आ गए, तो मैं ये साइड में निकाल रहा हूँ। मदर ऑफ 1000 के प्लांट्स बहुत होते हैं फ्रेंड्स, बहुत हद से ज्यादा होते हैं, इसको ऐसे ही रख देंगे हम। अभी मैंने इस पॉट में रखा हूँ, अभी देखेंगे थोड़े दिनों के बाद और भी बड़े पॉट में इसको रिपोर्ट कर देना है, ताकि और भी अच्छे से ताकत मिले उसको, प्लांट को और भी अच्छे से ग्रो हो। देखिए बहुत 4-5 प्लांट्स हो गए इसके अंदर, तो मुझे ये थोड़ा सेट करने में दिक्कत होगी, लेकिन कोई बात नहीं।
स्टूडेंट्स, ये रेडी हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है हमारा रिपोर्ट। अब हम दूसरा वाला करेंगे, इसको साइड में रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी हम फिशबोन कैक्टस, इसको भी हम ऐसे ही रिपोर्ट कर लेंगे फटाफट। ये देखिए, इसके अंदर भी बहुत सारे बेबीज हैं, ये सारे बेबीज को हम निकाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें से जड़ें बाहर आ चुके हैं। देखिए ये जड़ें हैं फिशबोन कैक्टस के। ये और ज्यादा है फ्रेंड्स, ये मैं सोच रहा हूँ इसके अंदर जो बड़े बड़े हैं वही हम रिपोर्ट करेंगे, छोटे वाले जो है ना नहीं डालेंगे इसके अंदर। छोटे वाले भी दो तीन हैं तो वो ऐसे ही छोड़ देंगे उनको। ये सारे अब अच्छे से ग्रो होंगे, एक बड़े कंटेनर मिल गया इसको। देखिए फ्रेंड्स, मैंने रिपोर्ट कर लिया हूँ, ये फिशबोन कैक्टस है, कंप्लीट हो चुका है। साथ ही साथ इसके अंदर पूरे 8 नहीं डाला, इसके अंदर 6 इसके अंदर रिपोर्ट करा और 2 जो है ना इसके अंदर रिपोर्ट करा। अगर कोई मांग चाहिए तो इसको मैं सेल करने की कोशिश करूँगा, अगर किसी को चाहिए तो मैं ये सेल करूँगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी तो टाइम हो चुका है, अभी मुझे बाहर भी कहीं जाना है तो अंधेरा भी हो गया। अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे इसके अंदर गार्डन में, वो कटिंग भी करना था, कटिंग्स लगाना था और दवाई मारना था, बहुत काम था। देखेंगे कल करेंगे दवा मारना वगैरह, कुछ जो भी है कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए दोस्तों में, फैमिली में और जो भी गार्डनिंग के शौकीन हैं उनके साथ में शेयर करिए। नीचे लाल बटन दिख रहा है उसको दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में जो बेल आइकन को दबा करके ऑल पे कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस आते रहते हैं, क्योंकि मेरा हर वीडियो आप तक के पहुंच सके।